आज हम अफजल सागर मल्लापल्ली डिवीजन नामपल्ली हलके में हैं। एक जो टीआरएस की हुकूमत दावा कर रही कि हम 1,00,000 घर ग्रेटर हैदराबाद में बनाए, तो हम उनकी चोरी पकड़ लिए और एक रिकॉर्ड हमारे पास भेजा है जिसके अंदर बता रहे हैं कि आप नामपल्ली के अंदर 1,800 घर बना रहे। आज हम यहाँ ठहरे हुए हैं अफजल सागर, जो जगह पे हम ठहरे हुए हैं यहाँ पे 2015-17 दिसंबर को आप फाउंडेशन स्टोन डाले, उसमें जबकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब महमूद अली साहब, जबकि होम मिनिस्टर नरसिम्हा रेड्डी साहब, एमएलसी प्रभाकर, लोकल एमआई एमएलए जाफर हुसैन, यहाँ पर पूरे जने आके हम डबल बेडरूम बना रहे हैं बोल के फाउंडेशन स्टोन डाले। और उसके बाद ये हम आ रहे बोल के फाउंडेशन स्टोन ले लेके भाग गए, फाउंडेशन स्टोन गायब कर दिए, मगर पूरी आवाम गवाह है यहाँ पे। और आवाम को ये बात बोले कि हम डबल बेडरूम डाल रहे हैं, हमारे को एमएलए को वोट डालो दलालिए, कॉपरेटर को वोट डाला लो दलालिए, एमपी को वोट डाला लो दलालिए। और आज पुरसाने हाल नहीं है, आप हर घर देखिए दीवारें टूट जा रहे हैं, छतें गिर जा रहे हैं। अब मेरे बाजू सीमा बोल के, क्या नाम है आपका? इधर आइए, इधर आइए, ये सीमा बोल के ठहरो जी, सीमा बोल के है, इनकी दीवार गिर गई, इनकी जब दीवार गिर गई तो इनके 3 बच्चे मर गए और इनके भाई के बच्चे का हाथ टूट गया। हम जाके कलेक्टर को बोले, कलेक्टर अम्मा यहाँ पे आप वादा करें डबल बेडरूम का, बच्चे मर जा रहे, देखिए लोगों की छत गिर जा रही, मासूम बच्चे मर जा रहे, ये परेशानी है। तो कलेक्टर अम्मा बोलते मैं कॉम्पनसेशन दे सकती हूँ, एक्सग्रेशिया दे सकती हूँ, मगर डबल बेडरूम घर बनाने का काम केसीआर का है, केटीआर का है, हम कुछ नहीं कर सकते बोल के कलेक्टर अम्मा का मैं शुक्र अदा करता हूँ, 5,00,000 रुपये एक्सग्रेशिया दिए। अब आप चलिए, मैं स्पीच दिए बात, एक एक घर की हालत देखिए, हर एक छत गिरने पे है, दीवार गिरने के ऊपर है, कौन सी हालत पे ये रह रहे हैं, ड्रेनेज देखिए, मोरिया देखिए, कुत्तों से प्रॉब्लम है, ऐसा कचरा, मच्छरा, मच्छरों को नहीं संभाल सकती, सो ये गवर्नमेंट है। और बड़े बड़े बातें इसी चैम्बर में बैठ के हमारे केटीआर साहब बोलते और पूरों से टैक्स लेते और हाईटेक सिटी जुबली हिल्स डेवलप करते, ये एरिया कौन डेवलप कर रहा? हैदराबाद की नाक है नामपल्ली, नामपल्ली के अंदर मल्लापल्ली, ये हाल है हकीकत। तो आज कांग्रेस पार्टी उनकी सच, उनकी झूठ को पर्दाफाश करने के लिए आपके सामने आई कि देखो गरीब को किस तरीके से ये बेवकूफ बना रहे। ग्रेटर हैदराबाद इलेक्शन आने वाला है और फिर से डबल बेडरूम कर रहे हैं आप। मेरे को एक बात बोलिए आप, जब 2016 में इलेक्शन हुआ था 17,00,000 एप्लीकेशन आ लिए आप और आप वोट डलवा लिए, और 17,00,000 एप्लीकेशन के बाद आज 2020 है, एक तो भी घर दिए क्या आप? नहीं दिए। के टी रामाराव साहब बोलते 4,000 घर मैं एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को दे रहा हूँ। आज मैं नामपल्ली के अंदर पूछना चाहता हूँ के टी रामाराव साहब से, एक तो भी घर बन रहा सो आप बताओ, बन रहा सो दिए सो तो बहुत दूर की बात है, अगर से आप मेरे को एक भी घर बन रहा सो बताए के टी आर साहब, मैं फिरोज खान कांग्रेस पार्टी से आने वाले चुनाव में मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो ये हाल हकीकत है, बट्टेबाज बातों में केसीआर, केटीआर और टीआरएस पार्टी नंबर 1, लोगों को बेवकूफ बनाना, झूठ बोलना, ये उनकी एक फितरत और आदत है। तो ये बताने के लिए, क्योंकि अब चुनाव आ रहा, फिर से डबल बेडरूम का मुद्दा उठाएंगे, इधर उधर के घर बताएंगे, हम इनको दिए उनको दिए तुम्हार को भी दिए देंगे बोल के फिर आस में वोट दला लेंगे बोल के, ये सच को बताने के लिए बट्टी साहब की सदारत में हनुमंत राव साहब है, अनिल है कंटेस्टेड, हमारे क्या बोलते हैं मुशीराबाद एमएलए है, हमारे वेंकट रेड्डी है, हमारे नरेश है, यासीन है, संतोष है, रमेश है, हम पूरे लोग आपके चैनल के थ्रू बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से आपको धोखा दिया जा रहा है। तो मेहरबानी करके आने वाले चुनाव पे आप लोग सोचिए कौन आपके साथ है, कौन वादे करे बाद वादे खिलाफी कर रहा, कौन सच बोल रहा, कौन झूठ बोल रहा, और आपका मुस्तकबिल आपके हाथों में है, लीडरों के बातों में मत जाइए, देखिए आपके एरिया को कौन डेवलप करा। आज ये हाल है, आज आपका लोकल एमआईएम है एमएलए, लोकल कॉपरेटर है एमआईएम और टीआरएस की हुकूमत है जिसे वो मिलके चल रही, क्या डेवलपमेंट हुआ ये एरिया में? जीरो। और आप बात करते कॉस्मोपॉलिटन सिटी का, आप बात बोलते डायलिस बना देता हूँ, आप बात बोलते इस्तांबुल बना देता हूँ, आप बोलते हाईटेक सिटी बना देता हूँ, बॉम्बे के बाद अगर से सबसे ज़्यादा टैक्स आता तो वो आता हैदराबाद को, और आप बोलते 6 साल के अंदर
60,000 करोड़ रुपए हम खर्चा करें। टांगे साहब 60,000 करोड़ रुपए, 60,000 करोड़ तो ये हालत है ना, ये मोरियां, ये मच्छरा, हाँ ये नाले, ये कचरा, ये हालचाल, बेरोजगारी, बच्चों को स्कूल नहीं है, सही हॉस्पिटल नहीं है, ये हकीकत है ये गवर्नमेंट की। जय हिंद, जय कांग्रेस, शुक्रिया, धन्यवाद। इंदिरा गांधी बनाए से हर खबर पर नजर रखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्राइम कंट्रोल न्यूज़।